जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। Aquarius people, okay. मुझे ऐसा लगता है क्वेरियस पीपल दैट देयर इज़ लाइक आप लोगों के रिलेशनशिप में यू नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, यू कह लीजिए थर्ड पार्टी को लेके लाइक आपके पर्सन इतना ज़्यादा टेंशन नहीं पे करे, इस वजह से आप समहाउ बिट्रेड फील कर रहे हैं। आप ना स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं अच्छे से रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप भी इस बात को धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं बिकॉज यू आर इन योर जोन, ठीक है। आप अपने जोन में आ रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और अपने आप को लाइक आई डोंट थिंक दैट यू आर रनिंग आफ्टर देम दैट मच जो आप लाइक पहले आप किया करते थे। तो मे भी हो सकता है इट्स अबाउट कि आप अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है दे आर जगलिंग, ठीक है। हो सकता है कि वो स्पाई करते हैं, हो सकता है कि दे आर लाइक गोइंग थ्रू, हो सकता है डिफेंसिव, बड़ी जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं ये पर्सन, यू नो, या आपके साथ ठीक है मतलब आपके ऊपर स्पाई करते हैं और ऑनलाइन हो सकता है आपका सोशल मीडिया चेक करते हो या आपसे यू नो आपके पीछे मतलब चेक रखते हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन बड़ी जल्दी ना डिफेंसिव हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं। ये इस पर्सन की है जगल, ठीक है, जगल कर रहा है कोई यहाँ। नाउ इन द नियर फ्यूचर अगर आप इस पर्सन का मूव पूछें आपकी तरफ, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, ठीक है, रिफ्यूज़ल मोड है इनकी तरफ से, या यू कह लीजिए देर इज़ लाइक अ पीरियड ऑफ वेटिंग, हो सकता है ना जो भी आप लोगों के बीच में सर्कमस्टांसिस हैं। बट द थिंग इज़ जो भी चीज़, जो चीज़ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है वो है ये दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि येस लाइक पहले भी मैंने एक दो साइंस बनाया तो उसमें ये चीज़ मुझे बहुत एक अच्छी सेंस हुई थी कि रिगार्डलेस ऑफ ऑल द थिंग्स, जो भी आपके अराउंड आप फेस कर रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, लेकिन आप अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। यही आपके रिलेशनशिप को आगे हेल्प करेगी। बने रहिएगा, वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस इन द एंड। और अभी हम बात करते हैं आपके करियर की, कि करियर वाइज आपके लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट टीम वर्क, ठीक है, मिलके काम कर रहे हैं किसी के साथ। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, कुछ प्लान कर रहे हैं आप, कुछ सोच रहे हैं, और अगर कुछ सोच रहे हैं तो डोंट वरी, अच्छा ही होगा, ठीक है। और इट्स अबाउट लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, क्या होगा, विल इट वर्क, विल इट नॉट, ठीक है, तो डोंट वरी। अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि येस आगे चल के ये अच्छा जाएगा, ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, और डेफिनेटली इट्स अबाउट कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में, कोई नया वेंचर करने के बारे में ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करें फॉर वर्क पर्पस, या हो सकता है इट्स अबाउट यू नो कुछ लॉ से, गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड कुछ काम हो, ठीक है, या कुछ ऐसा कुछ हो जिसमें आप न्याय का वेट कर रहे हैं, फैसले का वेट कर रहे हैं, तो वो फैसला आपके हक में होगा, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू क्वेरियस पीपल। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स। For all the Aquarius people, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, पेशेंस, येस। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोल रही थी, एंड दैट वॉज कि एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल, दैट इज़ यू आर स्लोली एंड स्लोली कमिंग आउट ऑफ योर जोन, ठीक है। आपको रियलाइज़ हो रहा है,
आप कुछ सोच रहे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, अपने आप को यू नो हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड दैट इज़ वर्किंग इन योर फेवर. जो भी लोग इस टाइम अगर इस जोन में है, इस एनर्जी में है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग को सुनते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, ठीक है. तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस टाइम इस एनर्जी में है, ठीक है, अब सेल्फ लव वाली, एंड यू आर कीपिंग योर सेल्फ अप, ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए विक्ट्री, सक्सेस, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर, यू विल बी इन अ लाइमलाइट, देन वी हैव पेशेंस, देन वी हैव सेलिब्रेशन. तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अगर किसी भी चीज़ की, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, इन दी एंड क्या होगा, जीत आपकी होगी, ठीक है. सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, यही एक मंत्रा है आप लोगों के लिए, फॉर ऑल यू पीपल. सो दैट्स ऑल वी हैव. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.